हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा आपने देख ही लिया थंबनेल कि जो हमारा चार्ली था उसकी डेथ हो गई है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे हुई, क्या हुआ, अचानक हुई थी। और मैं बताता हूँ, पहले स्टार्टिंग में सुबह सुबह सबके साथ खेल रहा था, वो सही था एकदम, कुछ भी नहीं था उसको। और उसने मेरे साथ खाना भी खाया, मतलब बेड पे ही मेरे साथ खाया था। तो खाना खाते ही उसको पता नहीं क्या हुआ, या तो उसके गले में टुकड़ा अटक गया या कुछ ऐसा हुआ, वो मतलब ऐसे उल्टी की तरह करने लग गया, जैसे उल्टी आएगी उसको। तो हमने नीचे उतार दिया उसको, मतलब उल्टी कराने के लिए नीचे उतार दिया। तो फिर वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो जो वहाँ पे नीचे वो है ना, क्या नाम उसका, दीवान है, जो दिखा दूंगा मैं आपको कहाँ पे आके वहाँ जाके वो लेट गया। तो मैं बर्तन रखने के लिए गया, मैं खाना खा रहा था, तो मैंने देखा वो सुन्न हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैं गया, मैंने उसके हाथ लगाया पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने उसको बाहर निकाला, उसका सांस रुक गया था, पता नहीं कैसे, या तो उसके गले में रोटी अटक गई थी या फिर पता नहीं क्या हुआ। तो उसको फिर बाहर निकाला, उसको पंप दिया, मतलब सांस दिया उसको दबा के। तो फिर उसको थोड़ा सा सांस आया, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने उसके ड्रिप लगाई, और ड्रिप लगाने के बाद इंजेक्शन वगैरह लगाए। फिर उसने खांसी की ना, जब उसके मुंह से थोड़ा सा खून आ गया था, तो खून आने के बाद फिर वो मतलब थोड़ा रोना सा लग गया था, खांसी सी करने लग गया था। तो डॉक्टर कहते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा अपने आप। फिर हम उसको घर पर ले आए। तो घर पर लाने के बाद हमने ऊपर धूप में रखा, धूप में रखने के बाद उसको पानी पिलाया थोड़ा सा, फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। उसके मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था इसलिए। तो फिर वो नीचे गया ना, जब हम उसको नीचे ले गए, नीचे ले जाने के बाद उसको मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। फिर मम्मी ने उसको पकड़ लिया, मतलब गोद में बिठा लिया। गोद में बैठे बैठे ने मतलब कि तेज़ तेज़ सांस लेने शुरू कर दिए, फिर सारे घबरा गए थे। तो सांस लेने के बाद उसके मतलब फिर हम उसको उठा के सीधा हॉस्पिटल ले के भागे। पर फिर वो रास्ते में ही मतलब थोड़ा सांस ले रहा था, रास्ते में भी उसके मुंह से नाक से ब्लड आ गया था। और वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके वो पूरा ख़त्म हो चुका था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ उसको। अभी मैं आके बैठा हूँ ऊपर पैट्स में, और चार्ली को मरे आज 2 दिन हो गए हैं। सारा घर सुनना सुनना है पड़ा है। दिखाता हूँ आपको नीचे जाके कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे बैठ गया था आके। मतलब कुछ किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये ऐसे भी हो जाएगा, पता नहीं कैसे अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मतलब ये सुबह 9 बजे उसको कुछ हुआ, मतलब सांस वो भूला है, और कम से कम 12-11 बजे वो ख़त्म हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी 11-12 बजे। एक को मारते रहते हैं दूसरे को, होय चल। इसकी आँख भी थोड़ी ठीक हो गई है, देखो ये भी अब शरारतें करने लग गया, पहले शरारतें नहीं करता था बिल्कुल भी। वो देखो वो तो मारता ही मारता है। अब इनमें से यूँ नहीं पता चल रहा कि मुर्गा कौन सा मुर्गी कौन सी है। जो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब आप देख लो इसके पूंछ नहीं है और उसके पूंछ है। अभी यूँ नहीं पता मुर्गा कौन सा और मुर्गी कौन सी है। हमारे हिसाब से तो वो मुर्गा है और ये मुर्गी है। और यहाँ पे हमने ये रख दी है हुंडी, और नीचे हमारे बजीज कमरे में खुले हैं, मतलब वैसे खुले नहीं है, धूप लग रही है उनको भी, वो भी दिखाता हूँ। और नीचे इधर बूजो आया है, जब तक मैं ऊपर रहता हूँ बूजो भी ऊपर ही रहता है, और ये भी उदास है काफ़ी दिनों से, मतलब जब से वो गया ना तब से दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये रहा बूझो,
गाइस हमने इनको दाना पानी खिला दिया, अभी इनको बंद करते हैं, उनको तो कर दिया मैंने खरगोशों को। चल खुड़ा 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 खुड़ा, चलो चलो चलो। तो अब चलते हैं हम नीचे, नीचे जाके खाना वगैरह खाते हैं, और आपको दिखाता भी हूँ कि कहाँ पे क्या हुआ था और उसके साथ। चलो चलते हैं नीचे, और ये थोड़े मोटे दाने इधर जंगली जहाँ मतलब पक्षी भी आते हैं। ये रही हमारे बाजी, सभी ठीक है एकदम। ये देखो अंडे वगैरह रखते ही नहीं, पता नहीं क्यों, कारण क्या है। कैल्शियम भी रख रखा है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों। चलो धूप सेको तो यहाँ, और वो जो हमारा इधर ही अभी भी, ये कभी भी नहीं साथ छोड़ता मेरा, मेरे को कल्ले को कभी नहीं छोड़ता है वे बुझो, है बुझो। ये भी उस दिन से उदास है, ये कुछ भी नहीं मतलब खेलता भी नहीं है आजकल। इनको भी तो पता होता है कि मतलब, बस ये बोल ही नहीं सकते, सब कुछ बताता है इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे बुझो चले नीचे, चलो आया आया, वैसे समझदार बहुत है। तो गाइस हमारे घर में चूहे ने बच्चे दिए हैं। नट खोल ले इसके, काट दे भाई। देव पेच कस देव, देव पेच कस ना ले ले कर देव के जारी हुई। तब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था शुरू से, मतलब कि पहले ये बैठे मतलब इस एंगल में नहीं था, ये पहले बेड था, हाँ ऐसे लगा हुआ था। तो यहीं बैठ के मतलब कि इधर ही बैठ के मैं रोटी खिला रहा था, इतनी दूरी पे वो बैठा था, यहाँ पे रोटी खा रहा था, रोटी खाई उन्हें मतलब उल्टी टाइप करी तो मैंने नीचे उतारा, वो पता है कहाँ जाके बैठ गया था, यहाँ पे यहाँ आ गया था, यहाँ आके उसको मतलब सांस आना बंद हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने खींचा और यहाँ पे उसको मतलब सांस वगैरह दिया यहाँ, ठीक है यहाँ पे, और फिर उसका सांस वगैरह इतनी देर में था, हम उसको उठा के ले गए थे हॉस्पिटल में। ओ जी आया पूरा, ये आ गया, इसको तो कुछ कहते ही आ जाता है।